Algebraic Expressions Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about algebraic expressions. Students, what are algebraic expressions? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह अल्जब्रा अल्जब्रिक फॉर्म हम बिल्ड करते हैं किस तरह मैथ में अल्जब्रिक एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं हम कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं जब इनको असेंबल करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है और उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अनसर्टन uh, होती है वो अनडिफाइंड होती है और उसको हमें फाइंड आउट करना होता है जबकि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे एलजब्रिक एक्सप्रेशन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन आपको आपके सामने स्क्रीन पर एक अल्जबरिक एक्सप्रेशन दिखाया गया दैट इज थ्री एक्स प्लस टू स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स को जोड़कर एक मैथामेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस के साइन से दो टर्म्स को जोड़कर एक एक्सप्रेशन बना है तो टू मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट है और टू की वैल्यू नेक्स्ट टू के बाद अगर मैं ऊपर प्लस पे आऊ तो मेरे पास प्लस क्या है प्लस आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसके बाद अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स मेरे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी करेगी और यहाँ पर जो थ्री रहा है थ्री मेरे पास क्या है थ्री मेरे पास कॉफिशेंट है थ्री मेरे पास क्या है कॉफिशेंट है और इसमें टर्म्स क्या है एक टर्म मेरे पास थ्री एक्स है एक मेरे पास टू है टर्म स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ कोफिशेंट की तो कॉफिशेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है

माइनस सेवन एक्स क्यूब इसमें क्या है इसमें आपने बताने वेरिएबल्स कौन से हैं और कॉफिशेंट्स कौन से हैं अगर मैं बात करूं वेरिएबल की तो मेरे पास इसमें एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स एक्स इज़ अ वेरिएबल इन माइनस सेवन एक्स क्यूब और इसमें मेरे पास कॉफिशियंट क्या यूज़ हो रहा है माइनस सेवन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ माइनस टू प्लस एक्स की बात करूँ तो इसमें वेरिएबल मेरे पास क्या है एक्स वेरिएबल मेरे पास क्या है एक्स और इसमें मेरे पास कॉफिशेंट क्या है वन माइनस टू मेरे पास यहाँ कांस्टेंट है कॉफिशेंट नहीं है कॉफिशेंट हमेशा हमारे पास एक्स के साथ आता है वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं कॉफिशेंट कहते हैं तो कॉफिशियंट यहाँ मेरे पास वन आ रहा है क्योंकि एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी और जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर वन होता है तो यहाँ पर एक्स के साथ मेरे पास क्या है वन है देन स्टूडेंट्स मेरे पास है एक्स बाय फाइव एक्स बाय फाइव में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वेरिएबल क्या है ऑब्वियसली एक्स है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास अन वैल्यूज होती हैं और मेरे पास क्या है जो वेरिएबल के साथ आ रहा है और वेरिएबल के साथ इस्टन बाई फाइव रहा है सो स्टूडेंट्स so अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर बुक पे एक दी गई है उस एक्टिविटी को सॉल्व करना है जैसे सबसे पहले आपको उन्होंने कहा है आपके पास एक्सप्रेशन है माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसमें आपने बताने कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं फिर आपने बताना है इसमें कॉफिशेंट क्या है फिर आपने बताना है इसमें वेरिएबल्स क्या है

इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 अगर हम के क्वेश्चन नंबर की बात करें तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या आपको कहा है लिस्ट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको कुछ टर्म्स दी गई है आपने इनके एक्सप्रेशन को एनलिस्ट करना है और वो क्या है फोर एक्स प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेंटी फोर जी प्लस नाइन यानी कि यहाँ आपको एक टर्म एक्स वाली दी है एक टर्म वाई वाली दी है एक टर्म जी वाली दी है और एक टर्म आपको दिया मतलब यहाँ कितने टर्म्स यूज हो रही हैं फोर टर्म्स तो फोर टर्म्स यूज हो रही हैं तो सिंपली आपने क्या लिखना है फोर इसका आंसर लिख देने इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है अगर मैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर टू सेम उस तरह जिस तरह अभी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन दी हैं आपने उन एक्सप्रेशन में से कॉफिशेंट ढूंढने हैं और वेरिएबल्स ढूंढने हैं और वहां पर उनके आंसर्स लिखने हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो उन्होंने आपको कहा है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपने उनके नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं और इसके सेकेंड पार्ट में आपने कॉफिशंट बताने हैं की अनोन वैल्यूज के कॉफिशेंट्स कौन से हैं सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को कॉफिशेंट्स और कॉन्स्टेंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज